दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय रिवाइव फिजियोथेरेपी धर्मशाला। कार्ड प्रशिक्षण केंद्र सिद्धवाड़ी में राज्य स्तरीय दो दिवसीय दिव्यांग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों से विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016, सुगमय भारत अभियान व दिव्यांगजनों के विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। शुक्रवार के सत्र में 150 लोगों ने भाग लिया, जिसमें दिव्यांगजन, उनके माता पिता, जन प्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने मतदान के महत्व व उपयोग के बारे में बताया। सर, आज ये कॉर्ड संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के लोग आए हुए हैं और आप भी लंबे टाइम समय से कॉर्ड संस्था से जुड़े हुए हैं। किस तरह की गतिविधियां चलती हैं, किस तरह से दिव्यांग लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं? जहां तक कॉर्ड की बात है, कॉर्ड से बहुत पुराना नाता है और उस नाते के चलते जब भी यहाँ से बुलाया जाता है मुझे, तो ऐसा लगता है कि घर वापसी हो रही है। और यहाँ पहुँचे तो वैसे भी लगता है घर जैसे हैं, और ख़ास तौर पर जब दिव्यांगजन हैं जितने भी, उनके बीच में बैठ के यूँ महसूस होता है कि ये भी हमारा ही एक हिस्सा है और सोसाइटी को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए। और कॉर्ड में जब ये काम होते देखते हैं कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ को लेके काम हो रहा है, ये नहीं है कि एक डिसेबिलिटी को लेके हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गाँव में डिसेबल्ड हैं, उनको चयनित करना और उनके लिए काम ढूंढना। रिहैबिलिटेट आज भी पूरे प्रदेश भर से यहाँ विभिन्न संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, तो किस तरह की अपडेट जानकारी जो है वो इनको दी जा रही है? जो संस्था आए हुए हैं, संस्था डिफरेंट जो संस्थाएं हैं उनसे जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको ये जानकारी दी जा रही है कि आपके इलाके में किस तरह से आपको मोटिवेट करना है, जो स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, और उनका जैसे कुछ कार्ड बनाने की आवश्यकता रहती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहती है, और आजकल तो वोटिंग का माहौल चल रहा है, तो दिव्यांगजन के लिए भी वोटिंग को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। और पूरी तरह सरकार क्या, केंद्र सरकार भी बड़ा ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि इनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो उनका कैसे बन सकता है, उसकी जानकारी जो है इन सब लोगों को दी जा रही है। और साथ में ये भी कॉर्ड संस्था के CEO नरेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आज पूरे प्रदेश भर से विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए जो दिव्यांग प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं और विभिन्न मुद्दों पे उनसे चर्चा हो रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, तो किस तरह की जानकारी आज दी गई है, क्या क्या विषय आज यहाँ है? आज लगभग 7 जिलों से जो संस्थाएं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया था। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज हमारा 15 और 16 तारीख को। उसका एक मुख्य उद्देश्य था, एक जो राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क है, कि किस तरह से जैसे अभी हमारा नया कानून आया है जिसको राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हम बोलते हैं 2016, उसके क्षेत्र में अभी पहले 7 तरह की विकलांगताएं होती थी और अब अभी 21 तरह की विकलांगताओं को उसमें लिया गया है, लेकिन उसके ऊपर अभी राज्य भर में बहुत काम करने की ज़रूरत है और खासकर ग्रामीण स्तर पे तो बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। तो ये संस्थाएं अपने अपने जिलों में जहां काम कर रही हैं, इन सबको बेस किया जाए और किस तरह से नेटवर्क, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसीज हैं, उनके साथ लोग स्वयं प्रयास करके किस तरह से विकलांग व्यक्ति के समाज में सम्मिलन के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने उनसे चर्चा और ये शेयरिंग करने के लिए कि क्या राज्य का क्या स्टेटस है, जो नया कानून आया है उसमें क्या स्टेटस है उसका। नरेंद्र जी, अभी यहाँ आपकी सेमिनार में बातचीत हुई है, तो अभी आपको क्या लगता है कितना काम हुआ होगा और अभी कितना काम करने की ज़रूरत है? अभी जिस तरह से एक सबसे बेसिक इशू आता है कि सबसे पहले दिव्यांग व्यक्तियों की गिनती तो हो, तो 2001 की जनगणना में पहली बार, 2011 में दूसरी बार, अभी 2021 की जनगणना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जितने और 21 तरह की नई विकलांगताओं के साथ अगर हम बात करें तो उसमें सबका डेटा आना बहुत ज़रूरी है, उसी के अनुसार फिर पॉलिसी और प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं। तो मुझे लगता है एक तो जनगणना के स्तर पर अभी से ही हमें कमर कस के काम करना पड़ेगा, सभी, चाहे सरकार को है, चाहे लोगों को है, या जो इस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उन सबको मिलके हमें काम करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो चीफ पवन शर्मा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को धर्मशाला के रिवाइव फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आजीवन निःशुल्क हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्टर मालविका राणा का कहना है कि आम लोगों के लिए कमर दर्द, कोहनी दर्द, पैर का दर्द, गठिया, सर्वाइकल, अधरंग, स्लिप डिस्क, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को यहाँ ठीक किया जाता है।
पैर में मोच आना, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, स्लिप डिस्क है, कमर में डिस्क का हिलना जिससे टांग में दर्द जाती है उसका इलाज, कमर की स्टिफनेस, गर्दन का इलाज, टेनिस एल्बो का इलाज, ये सारा हम अपने क्लिनिक में करते हैं।